प्यारे विद्यार्थियों, आप जी का स्वागत है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे यूट्यूब चैनल दे। प्यारे विद्यार्थियों, आज असी करन जा रहे हैं जमात बारहवीं का विशा चोणवी पंजाबी भाव इलेक्टिव पंजाबी का पाठ नंबर 3 धूड़ परे रा, जो कि प्रिंसीपल साहिब सिंह जी दी स्वै जीवनी मेरी जीवन कहानी दा एक अंश है। इस विच उन्हां ने अपने जीवन दियां औकड़ां नूं बयान किया है ते दस्या है कि किस तरह जिंदगी दे राह धूड़ भरे भाव मुश्किलां भरे हन ते उन्हां नूं पार करके उन्हां ने एक उच्चा अहुदा प्राप्त किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ नूं करन तों पहलां आओ प्रिंसीपल साहिब सिंह जी बारे कुछ जानिए। प्रिंसीपल साहिब सिंह जी का जन्म 1894 ईस्वी पिंड फतेवाल जिला सियालकोट जो कि हुण पाकिस्तान विच है विच होया। आप जी दे पिता का नाम बाबा हीरानंद ते आप जी ने बीए डीलिट की विद्या प्राप्त की। आपने छोटी उम्रे ही डाकखाने विच कलर्की की नौकरी की ते फिर उस तो बाद आप जी ने उच्च विद्या प्राप्त करके नौकरी प्राप्त की। आपने मीत सकत्तर अते सकत्तर वजो नौकरी की, अध्यापन कारज भी किया ते नाल नाल गुरबाणी का टीकाकरण भी किया। आओ प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ नूं पढ़िए धूड़ भरे राह। जिवें कि तुहानूं मैं दस्या है, धूड़ भरे राह तो भाव है जिंदगी दे ओ राह जिन्हां विच मुश्किलां वधेरे हुंदियां हन पर इन्हां मुश्किलां नूं पार करके ही लंघण वाला इंसान सफलता प्राप्त करता है ते जे मुश्किलां तो डर जाइए ते सफलता कदे हासिल नहीं हुंदी। कुछ इसे तरह ही प्रिंसीपल साहिब सिंह ने अपनी स्वै जीवनी अंश मेरी जीवन कहानी विचों इस भाग नूं साडे सामने रख्या है। मेरी मुढली तलीम, आओ प्यारे विद्यार्थियों पढ़िए इस पाठ नूं। मेरी मुढली तलीम। महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार दे प्रसिद्ध कवि हाशम शाह उंजता पिंड जगदेव दे रहण वाले सन, जो रावी तो पार जिला अमृतसर विच है, पर उन्हां नूं पिंड थरपाल विच जागीरी मिली सी। उन्हां दा पुत्तर सी मियाँ हयात शाह। मियाँ हयात शाह भी अपने पिता वांग पंजाबी दा कवि सी। जदों मैं 4.5 साल दा होया तां मेरे पिता ने मैनू मियाँ हयात शाह कोल पढ़ने पा दिता। पिंड थरपाल रता को हटवा सी, रता को थोड़ा जिहा हटवा दूर पहाड़ वाले पासे। उस सड़क उत्ते है जो नारोवाल वालों लाहौर नू जांदी है। ये समा वो समा सी विद्यार्थियों जदों पाकिस्तान दे विच ते हिंदुस्तान दे विच वंड नहीं सी होई होई। रहिए तहसील विच एक प्रसिद्ध प्राइमरी स्कूल सी। मेरी दादी दी भैन दा पोतरा अमर सिंह उस स्कूल विच पढ़दा सी। उस दी प्रेरणा नाल मेरे पिता जी ने मैनू भी पिंड दे मियाँ जी पासों उठा के तहसील वाले प्राइमरी स्कूल विच दाखल करा दिता। इस स्कूल विचों ही सन 1902 विच मैं 5वीं पास कीती। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जे 1902 विच उन्होंने 5वीं पास कीती है ते भाव है कि उस समय पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी वंड नहीं हुई सी। साडा पहली जमात दा इम्तिहान नारोवाल तो लाहौर नूं जाण वाली सड़क उत्ते तहसील रैया तो 3 मीलां दी विथ उत्ते एक प्रसिद्ध कस्बा है पाठां वाला। पाठां वाले भी प्राइमरी स्कूल सी, सड़क दे कंडे उत्ते सी। सन 1898 विच इंस्पैक्टर इम्तिहान लैण आया। उसने 4-5 स्कूलां दे सारे मुंडे पाठां वाले इकट्ठे करा लए। मैं तदों पहली जमात दा इम्तिहान देना सी। मैं अपनी जमात विच सब तो छोटा मुंडा सा। मेरे पिता मेरे नाल गया। मेरा
दिल वधाउण वास्ते मेरा पिता ने मैनूं एक तेला दिता। उदों तेला बहुत ज्यादा पैसे समझे जांदे सन। एक पैसे दे दो तेले हुंदे सन। उस जमाने विच तेला बड़ी चीज हुंदा सी। जिवें अज दे समें विच 100 दा नोट हुंदे ने, उस समें दे विच तेले जिहड़े सी ओह कम आउंदे सन ते बहुत पैसा गिनिया जांदा सी। बाठा माले दे स्कूल विच नवें नवें वड्डे फूहड़ मंगाए गए सन। फूहड़ दरियां, ओह तेला मैं फूहड़ दे विचों ही हेठां वगा दिता, मतलब ओहदे कोलों उत्थों डिग पिया। उस इतने वड्डे फूहड़ विचों ओह तेला मैथों मुड़ निकल ना सकिया। सानू सारे मुंडियां नू सड़क दे दोई पासी पुट्टियां होईयां खालियां विच बिठा दिता। इंस्पैक्टर आया, आउंदियां ही ओह किसे गले साडे स्कूल दे हैड मास्टर काजी जलालदीन नाल नाराज हो गया। काजी जी नू उसने उत्थों परे बाहर कढ दिता ते गुस्से नाल लोहा लाखा होया। उह सिद्धा उत्थे आ गया जिथे साडी पहली जमात बैठी सी। जमात दे शुरू विच ही मैं बैठा होया सा। आउंदिया ही उसने कड़क के मैनू आख्या, कड़क के गुस्से दे नाल रोब नाल, तीन का पहाड़ा सुनाऊ। उसका काला चेहरा वेख के सारे मुंडे सहम जे गए सन, सहम जे डर जे गए सन। पर जदों उसने कड़क के मैनू पहाड़ा सुनाउण लई आख्या, मैं भी अगो कड़क के ही सुनाया। इंस्पैक्टर सुन के बहुत खुश होया। उसने साडे काजी जी नू वापस बुलाया ते उना दे सामने मैनू शाबाश आख्यो सो, शाबाश आख्यो सो मतलब शाबाश दिती। मेरा पिता भी लांबे लांबे मतलब पासे खड़ा सुन वेख रहा सी। उसने ता खुश होना ही सी। इम्तिहान खत्म होया ते सानू सब मुंडिया नू छुट्टी हो गई। काजी जलालदीन जी नारोवाल दे रहन वाले सन। हर शनिचरवार लोडे वेले शाम वेले ओह स्कूलों अपने घर चले जाया करदे सन। साडा पिंड उस सड़क ते उत्ते सी रता कुहटवा, रता कुहटवा थोड़ा जा परे। काजी जी कदे कदे साडे पिंड विचों ही होके लंघदे, मेरे पिता जी नू मिलदे ते मेरी बाबत ए प्रेरणा भी करिया जाया करदे सन कि इस बच्चे नू प्राइमरी तो अगां मिडल स्कूल विच भी जरूर दाखला कराउणा। बाबत मतलब मेरे मामले उत्ते मेरे बारे ए दस कहंदे उहनां नू कि प्राइमरी तो बाद इस नू अगे भी पढ़ाउणा। मेरा पिता भावें बहुत गरीब सी पर उस नू काजी दी नित दी प्रेरणा नाल हौसला बनन लग पिया। कहिंदा मेरे पिता जी चाहे गरीब सन पर फिर भी उहनां दे मन नू इक हौसला बजना शुरू हो गया कि मैं अपने पुत्तर नू अगे पढ़ावांगा। साडे पिंड दा चुगिरदा ते साडा घर थरपाल दी सड़क तों पहाड़ पासे दी सारी जमीन बड़ी कलराठी सी। लोग उस विच आम तौर उत्ते मुंजी झोना ही बीजिया करदे सन ते फसलां नू खूहां दा पानी दिया करदे सन। ओह कमाद भी आम बीजदे सन, कमाद हुंदा गन्ने। सड़क तों दक्खण वाले पासे दी जमीन रेतली सी। सड़क दे नाल नाल ही दक्खण वाले पासे एक नाला वगदा सी जेड़ा 4-5 मील उतले पास्यों दरिया रावी विचों निकलदा सी। दरिया रावी सड़क तो सिर्फ 3 मील दी विथ उत्ते सी। सो सड़क दे दक्खण पासे दी सारी जमीन रेतली सी ते सारे बेला ही बेला सी, मतलब उंज ही का उग गया सी। उस जमीन विच सारे पिंड दी पी मालकी सी। जिमीदार लोग उस विच कनक छोले ते मसर बीजिया करदे सन। साडे पिंडां दे मसर खान विच बहुत सुआदले हुंदे सन। पिंड थरपाल दे चढ़दे अते लेंदे पासे छप्पड़ सन, चढ़दा हुंदा पहाड़ आला पासा ते लेंदा पहाड़ी तो नीवा पासा। चढ़दे पासे तां इक लंबा छप्पड़ सी, उसनू लोग ढाब आखदे सन।
ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਛੱਪੜ ਸਨ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਮਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਮਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿੱਥ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਲਿਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਤੇ ਗਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿੰਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ ਲੱਗੇ। ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਵੀਹੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹੀ ਕੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲੀ। ਵਿਚਲੀ ਵੀਹੀ ਉਹ ਗਲੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਲੀ ਵੀਹੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਨ। ਵਰਖਾ ਰੁੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਭਰਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਬੱਦਲ ਚੜਿਆ ਟਿੱਲਿਓ ਗਾ ਮੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿੱਲਿਓ। ਟਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਪਾਸਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲਨਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਸੀ ਟਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ ਪਾੜ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਪੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 4 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਧੂੜ ਭਰੇ ਰਾਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ, ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਨੰਬਰ 3 ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ, ਨੰਬਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 1901 'ਚ, ਨੰਬਰ 2 1902 ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 3 1904 ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 4 1905 ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 1897, ਨੰਬਰ 2 1898, ਨੰਬਰ 3 1899, ਨੰਬਰ 4 1900 ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ, ਨੰਬਰ 2 ਮੀਆਂ ਹਯਾਤ ਸ਼ਾਹ, ਨੰਬਰ 3 ਕਾਜੀ ਜਲਾਲਦੀਨ, ਨੰਬਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਪਿੰਡ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਸਨ। ਨੰਬਰ 5, ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਅੱਗੇ
पहला, मियां हयात शाह प्रसिद्ध कवि सन, सही है या गलत। नंबर दो, 1905 विच लेखक ने पंजवीं पास कीती, सही है या गलत। नंबर तीन, 1890 विच इंस्पेक्टर इम्तिहान लैन आया सी, सही है या गलत। नंबर चार, काजी जलाल दीन जी नारोवाल दे रहन वाले सन, सही है या गलत। नंबर पांच, सड़क तो दक्षण वाले पासे दी जमीन रेतली सी, सही है या गलत। प्यारे विद्यार्थियों, इस काम नू पूरी तरह अपनी साफ साफ अपनिया कापियां ते करना है ते काम नू पूरा करना है ते इस दे नाल नाल ही अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे चैनल नू सब्सक्राइब करना है ते इना वीडियोज नू लाइक ते शेयर भी करना है। धन्यवाद।